दोस्तों मैं सिद्दीक साहब के साथ हूँ उनकी सोप पर, और पिछली एपिसोड में हमने प्लास्टिक के पतंग बात किए थे जो बच्चों के लिए और काफ़ी ड्यूरेबल रहते हैं, मतलब आप लंबा खेल सकते हैं। अगर आप थोड़े से कंजूस के टाइप के इंसान हैं, पतंग को 4-5 बार यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक के पतंग देखिए आई बटन क्लिक करके। लेकिन आप प्रो एक है कि जो पतंग खींचते ही उड़ा लेते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काटते हैं, तो आपके लिए आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग कागज़ के पतंग दिखाने वाले हैं। और उसमें थोड़ी सी सिर्फ पतंग नहीं दिखाएंगे, सिर्फ प्राइस नहीं बताएंगे, लेकिन साथ में नॉलेज भी शेयर करेंगे कौन सा कागज़ किस तरीके से करता है, बिकॉज इनको बिजनेस करते हैं तो इनको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपको सही नॉलेज आज बताएंगे। तो सिद्दीक साहब, आज का एपिसोड शुरू करेंगे? ठीक है, हाँ शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चलिए फटाफट की स्टाइल में आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो आज हम जो है सिद्दीक साहब के साथ है, इंडिया ये कलर ट्राई कलर में पतंग है। ठीक है, तो सिद्दीक साहब ये कौन सा कागज वगैरह कहा जाता है, इसमें कैसे कैसे कागज आते हैं, वहां से पहले स्टार्ट करें। तीन कागज आते हैं इसमें, इसको बरोड़ा ओरिजिनल बरोड़ा कहते हैं, जो ये वाटर प्रूफ आता है। ये वाटर प्रूफ आएगा, आप पानी डालोगे तो इसका कलर नहीं निकलेगा। अच्छा, और एक कागज आता है MF, उसका पानी डालते हैं तो उसका कलर निकल जाता है। जैसे पहले होता था, अपने ढाबे पे पानी भराता था तो पतंग सब भीग जाती थी और उसका कलर निकल जाता था। ओके, ये भीगेगी और सूखा जाएगी और जैसी चढ़ाने लायक हो जाएगी पतंग, खराब नहीं होगी ये पतंग, वाटर प्रूफ कागज आएगा ये। अच्छा, वाटर प्रूफ, इसको बरोड़ा कागज कहते हैं। ओरिजिनल बरोड़ा आएगा, त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी कहते हैं, त्रिवेणी। और दूसरा कागज कौन सा आता है? एक दूसरा कागज आता है, वो भी त्रिवेणी में आता है। उसके अंदर कैसा होता है, थोड़ा ये लाइट आएगी इसमें, ये जो कागज है ये दिखता है कि हाँ अच्छा कागज है, तो ऐसा लगता है कागज जूना जूना कागज है। वो भी मैं आगे सैंपल बताता हूँ, देखेंगे। ठीक है, आगे आगे कागज की नॉलेज आपको देता जाऊंगा। ठीक है, लाइन सर। तो अभी रेगुलर में ये बरोड़ा प्रिंट ज्यादा चलता है, बरोड़ा ज्यादा चलता है क्योंकि ये अच्छा रहता है। इसके अंदर जो यहाँ पे गुंदल लगती है, जिसे हम लई कहते हैं पतंग, उसके धब्बे नहीं आते, नहीं तो दूसरे कागज के अंदर धब्बे आ जाते और पतंग अच्छी नहीं लगती। और ग्राहक कहता है जूनी पतंग आपने हमको दे दी। अच्छा, ऐसा नहीं होता, उसको कागज कागज की वैरायटी होती है। अगर गुंदल लग गई, वैसा कागज अलग अलग कलर आते हैं उसमें, अगर वो कागज के अंदर हमने गुंदल लगा दिया, लई लगा दी, तो उसके अंदर धब्बा आता है, वो कागज अच्छा नहीं होता। ये वाटर प्रूफ कागज आएगा, इसमें धब्बा भी नहीं दिखेगा, वो पतंग की फिनिशिंग अच्छी दिखेगी, पतंग अच्छा दिखेगा और ग्राहक तुरंत ले लेता है यहाँ से। ठीक है, तो ये बरोड़ा प्रिंट लेना चाहिए। बरोड़ा पेपर लेना चाहिए, ये बेस्ट आता है, क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। ठीक है, प्राइस में प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है इसमें, 100-150 रुपए बढ़ जाता है बंडल के पीछे, क्वांटिटी पीछे 100 रुपए बढ़ जाता है 1000 पीस के पीछे। ठीक है, एक पतंग के पीछे 10 पैसे बढ़ जाते हैं, 20 पैसे बढ़ जाते हैं, माइनर फर्क पड़ता है, पर ग्राहक कस्टमर समझता नहीं है, 100 रुपए देखता है और सस्ता में लेके बाद में रोता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, देखो मैं वीडियो इसीलिए डिटेल में बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि भाई देखिए आप 5-10 पैसे बताएंगे ना तो पता नहीं चलेगा। ये देखिए बरोड़ा कागज है, और इसका आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे पता करेंगे? आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, जैसे ये लाइट वाला कागज है, अब मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा कागज, ये देखो ये बरोड़ा है, इसमें लाइट आएगी। अब ये दूसरा कागज आएगा, इसमें लाइट नहीं आती। हाँ, वो क्लियरली दोस्तों थोड़ा पतंग में फर्क दिख रहा है, इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है। तो इसका शाइनिंग आएगी, इसका रेट है 3.70 रुपए। अगर क्वालिटी लेनी है, क्वांटिटी लेनी है, 1000 पीस आएगा 350 रुपए का, 350 रुपए में कितना क्या रेट रहेगा? कोड़ी का या 100 रुपए रहेगा, क्योंकि खम्बा टाइप बनाई हुई है। ओके, सिल्वर चाटी आएगी इसमें, सिल्वर लगा हुआ आएगा। अगर किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी तो हम यहाँ गुलाबी भी लगा देते हैं, ग्रीन लगा देते हैं, नहीं वही कॉस्ट होती है, पर पतंग की फिनिशिंग आएगी। जैसे सिल्वर है उसके बदले गुलाबी आएगा, ग्रीन आएगा। ठीक है, वो कागज वाला ही कागज बता रहा हूँ। देखो ये बड़ौदा पेपर है, ये वाला बड़ौदा पेपर है, और ये दूसरा पेपर, इसको लाला पेपर भी कहते हैं, डायमंड भी कहते हैं हमारी भाषा में पतंग वाले से। देखो ये दोनों के अंदर डिफरेंस देख लो, जबरदस्त डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखिए पतंग दिखा के पता चल रहा है, तो ये 350 रुपए की 1000 पतंग पड़ेंगी आपको, 3.70 रुपए की पड़ेगी, ये 3500 रुपए, 3.5 रुपए की एक पतंग पड़ेगी। अगर किसी को लेना, 70 रुपए कोड़ी पड़ेगी, 70 रुपए कोड़ी, और वो 100 रुपए कोड़ी। हाँ 100 रुपए कोड़ी, लेकिन उड़ाने में ये मजा आएगा, उड़ाने में ये मजा आएगी और पेपर भी अच्छा आएगा। ठीक है, और ये वाटर प्रूफ रहती है? दोनों वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ दोनों होगा। साइनिंग का फर्क आएगा दोनों में खाली, और कागज में मोटापे में भी फर्क होगा? नहीं, साइज भी वही रहेगी, साइज भी सेम है, कारीगर भी वही है। ठीक है, बनावट भी वही है, खाली सिर्फ कागज का फर्क है, कागज का फर्क है। ओके, इसमें साइनिंग आएगी, इसमें साइनिंग नहीं आएगी। ठीक, बाकी पतंग दोनों अच्छी आएगी अपने यहाँ पे, जबरदस्त दोस्तों क्वालिटी मिलेगी अपने यहाँ। तो ये रेगुलर चलने वाले पतंग, रेगुलर चलती है, जिसे चील कहते हैं, रंगीन चील। ठीक है, अहमदाबाद वाले से रंगीन चील कहते हैं।
रेगुलर चलता है हर कोई, और इसमें भी अलग अलग प्रिंट आती होगी ना, अलग अलग कलर आता है, 10 कलर जैसे अभी यहाँ पे जमे हुए हैं, 10 कलर आएंगे, अलग अलग हमने मिक्स करे हुए सब कलर है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें कुछ लोग चांद के थे वो सब आप दिखाइए, चांद सब दिखा रहा हूँ, आगे आगे वेरायटी प्रिंट आएगी, बड़ौदा प्रिंट आएगी, रंगीन चांद आएगा, ठीक है, परियल जिसे कहते हैं परियल आएगी। ठीक है, चलो दोस्तों आगे और देखते हैं। ठीक है, कागज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया,